तो रेडी हो चुकी हूँ वहाँ से आने के बाद। बहुत टाइम हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, मेरी आंटी के घर गए थे और फॉरम की एकदम विकेट डाउन है यस। तो 10:30-11 बजे आके, नहीं 9:30-10 बजे आके सो गया था। फॉरम को भी मैं बाहर देखने गई कि क्या हुआ, नहाया कि क्या किया उसने, तो वो बाहर सो गई थी दीवान पे। और अभी बज रहे हैं 1:30 और मुहूर्त स्टार्ट हो चुका है राखी बांधने का। ऐसे तो लोगों ने सुबह ही बांध लिए, लेकिन ठीक है जैसे भी हो, मुहूर्त के हिसाब से चलो जैसे भी चलना हो। तो अभी भाई लोग सब इकट्ठा होंगे 2:30 बजे तक, तब तक राह देखनी है। तो मैंने सोचा राह क्या देखूँ, मैं एडिटिंग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग का पार्ट वन तो मैं आप तक पहुँचा दूँ, ये भले सेकेंड टाइम में आ जाए तो। और फिर शाम को फिर से जाना है आरती में भी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी 108 दी की आरती होगी। तो मज़ा आई आज, पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन पता नहीं आज ना ऐसा लग नहीं रहा है कि रक्षाबंधन है, मतलब ऐसा सब साथ साथ में लग रहा है, तो ऐसा रक्षाबंधन वाली तो फीलिंग ही नहीं आ रही है। भाई अलग उधर सो रहा है, घर में सन्नाटा, कुछ आवाज़ नहीं, कोई चहल पहल नहीं, क्योंकि सब थके हुए। मेन रीज़न ये है, जो रात को हम लोग उठे हैं ना, 1 घंटा ही बड़ी मुश्किल से सोए, फॉरम तो वो भी नहीं सोई है, मैं 1 घंटा सोई हूँ, 1 घंटा पौना घंटा सोई हूँ, 40-45 मिनट्स जैसा। और फिर हम लोग 3 बजे उठ गए, 3 बजे उठ के रेडी हुए और 4:15 बजे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, तो तब से हम वहीं थे। और वहाँ से हम लोग घर आए हैं 12:30-1 बजे। तो अभी फ़िलहाल 1:30 पे मैं एकदम रेडी हूँ, मेरे को थोड़ा फ्रेश लग रहा है, ऊपर से मेरा निर्जला उपवास है, तो मेरा मुंह की हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, क्योंकि इतना बोलना पड़ रहा है व्लॉग में भी ऐसे भी, और कहीं कहीं जा रही हूँ तो वहाँ भी, तो मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है। तो मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी मुझे कल सुबह 10 बजे तक, 8 या 10 बजे तक पानी पीना है, तब तक मेरे मुँह का पानी तो भैया ख़त्म हो जाएगा, तो मेरी हालत भी ख़त्म हो जाएगी। और ये कुर्ती आज मैंने पहनी है, पहले मैं सेट पहनने वाली थी, ये ऐसी है, ऐसी कुर्ती है, नायरा कट है, पीस पहनने वाली थी, पूरा सेट पहनने वाली थी, लेकिन मूड नहीं है भैया, बहुत गर्मी है। सुबह से जो हमने कुर्ती पहन के जो ऐसा गर्मी बर्दाश्त की है ना, बाहर बैठे थे ना, हवा आज तो पता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी महादेव को दया आई, तो थोड़ा ऐसा वातावरण ठंडा हो गया था, थोड़ा अच्छा लगा। चलो बाकी सब राखी के टाइम मैं आपको मिलती हूँ, तब तक मैं अपनी एडिटिंग ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फाइनली अभी बज रहे हैं 4:50, इधर उधर से सबको इकट्ठा किया है, मैं न सोना चाहती थी फिर भी 1 घंटा तो मेरी आँख लगी चुकी है। और अब 5 बजे हम लोग राखी बांधने वाले हैं, क्योंकि सबकी हालत बहुत टाइट थी, ठीक है, और पूरा दिन रक्षाबंधन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यश अभी आएगा, राखी की थाली मैंने तैयार कर दी है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, देख के बताना कि कैसी लगी। और सबके लिए अलग अलग राखी है, तो बताना कैसी लगी और कौन सी वाली राखी ज़्यादा अच्छी लगी, वो भी बताना। स्वागतम 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 सुस्वागतम। विशाल तो रह ही जाता है हर बार, सब भाई मेरे इकट्ठा हो चुके हैं, भले 5 बजे तो 5 बजे, लेकिन सब रहे तभी राखी बांधने की मजा आती है। विशाल, हार्दिक, यश और 3 महीने हम भी तैयार हैं बांधने के लिए भी। और राखी की थाली बहुत मस्त लग रही है, लेके देखो ऐसे सजाइए मैंने। मस्ती तो चालू रहेगी। चलो अभी ये कार्यक्रम शुरू करते हैं फटाफट। पब्लिक सारी इकट्ठा हो चुकी है। ड्रैगन फ्रूट नहीं आती ना, दोपहर को ही हमने देखा था ड्रैगन फ्रूट। और मैंने फॉरम ने जिग्ना ने राखी बांध ली है, अब राज और सुजल को राखी हमें बांधना बाकी है। मामा भी आ चुके हैं और राज सबसे महंगा गिफ्ट आज लेके आया, आप देखोगे तो चौंक जाओगे।
टमाटर। अबे साले बोल रहा है कि 1500 का गिफ्ट है, सोचो नींबू आधा हो गया है, आधा नींबू और ये टमाटर, सोचो ये गिफ्ट है। हाँ ये भी देख लो, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली। रुको जरा, सबर करो, इतना झूठा इंसान है। मैंने अमेजोन से मंगवाया था साले झूठे। हाँ पैसा यश ने दिया, ठीक है गिफ्ट ही हुआ, मतलब मेरी पसंद का। क्या मामा? मामा छिला हुआ लहसुन लाया मम्मी के लिए। हाँ मम्मी के लिए ये गिफ्ट लाया गया है, और मम्मी फिलहाल कपड़े उतार रही है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। हमारी नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लीज गेस करके बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, फटाफट से कमेंट करो। 7:15 को महाआरती स्टार्ट हो जाएगी जो 108 दिए गए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे रक्षाबंधन का कार्यक्रम निपटा कर बाहर निकलेंगे। यस और वो तैयारी 20 में गणी तुरंत पैसा को पहला तो समझा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। मतलब आपने पहले रखा और फिर ले लिया, ये क्या बात है? यस तो आरती को रहने वाला पाएगा जी ना, घणी है तदीस घणी है आरती इस कड़ी आ रही है। तो उन्हीं तक आप है, उन्हीं तक आप है, ये शर्म इतना नहीं खबर है मुके विक्की है, देखो उस जेब में डाल दिया इसने, बेशर्म। अब गिन के मैं अपने हिस्सा निकालती हूँ, पहले तो राज की तरफ से 510 रुपए का शगुन, मेरी बड़ी खर्ची मिल रही है, सबसे बड़ी खर्ची मिल रही है 510 रुपए, अब तक की राशि है बड़ी में बड़ी 500 रुपए। 520 दिए, लेकिन मैं बड़ी हूँ ना तो मैं सह नहीं पाई, तो मैंने अपने 10 फॉरम को दे दिए, 20 मैंने रख लिए। बड़ा हरामी हो बेटा, शाबाश। हम अब दलित तेरी बात नहीं छोड़ेंगे, पहले मारते उतारेंगे फिर हम डाक मारेंगे। अमन वणी के चवाया कि हिकड़े जाते हिकड़े जड़ी राखी देसाणी न खपे, जे जत जो को राखी है वो राखी इनके न बदले, जिनके नहीं बदले छी मारे यूं नहीं गई है भाई भाई हाथ में आ छी, वणी के सिस्टम समझा दे। कौन सी खाओगे आप? हाँ बहुत तरह करो बेटा, आगे जाके जल जवाब में खाली चोखा बतारी खोलेंगे ना भाई। हाँ बस ऐरे बजा उन दिनों टाइम इस बार सीधा है गाइस, हमने सब लेडीज ने एक दूसरे को बांधा है राखी, एक दूसरे का आशीर्वाद लिया है, फॉरम बची है, फॉरम को बांध रहा है राज, फॉरम ने राज को बांधी, अब राज फॉरम को बांधेगा और फॉरम को ये राधे बाबा बना देगा पक्का, जो हिसाब से टीका लगा रहा है ना, आपने एक ब्लॉग में देखा होगा मैंने फॉरम को संजय दत्त बना दिया था। फॉरम ही हंसते चढ़ती है हर चीज में। हमारे आरती का टाइम हो गया तो हम लोग ये फॉरम लास्ट ये करके और आरती की थाली तैयार करके हम जा रहे हैं मंदिर। ये नई चीज आप लोग देख रहे होंगे, पहले बहन भाई न, बहन ने भाई को बांध दी, अब भाई बहन को बांध रहा है, छोटा भाई है। मतलब ये लोग खुद ही नहीं, दुनिया का नियम ये दोनों में खुद ही समझ लेंगे कि मैं तेरी रक्षा करूंगा तू मेरी कर, दबा के सब फाड़ देगा। आधे लोग लोटपोट हो चुके हैं, सबसे पहले तो यश, इसके साथ मुझे एक रील बनानी है, लेकिन अब देखते हैं, अभी हम लोग फिलहाल तो मंदिर जाना है हमें गाई में। चलो इनका कार्यक्रम निपटा, अब निकलते हैं मंदिर, फटाफट मंदिर पहुंचते हैं रेडी टू। सबके घर में यही दृश्य देखने को मिलेगा, चप्पल ही चप्पल।
तो गाइज मैं आपको बहुत समय बाद मिल रही हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और बस हमारी हालत ख़राब है। ये जैकेट बहुत मस्त आया है लेकिन मैंने अमेजोन से बुलवाया था, रिमूवेबल कैप के साथ है। अभी हम जा रहे हैं ना जहाँ पे वहाँ पे ठंड लग सकती है, क्योंकि मुझे भैया अगर राजस्थान में ठंड लगी है ना तो जो जगह पे मैं जा रही हूँ ना वहाँ पे तो जाहिर सी बात है लोग जैकेट लेके जाते ही हैं। तो फिलहाल अब उसकी पैकिंग करनी है, तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, पूरा महादेव को हमने कवर किया इसमें, मतलब सब दिखाया है मैंने, जो हो पाया, जो मेरा डेली काम है जो मैं करती हूँ डेली में, तो वो सब मैंने इसमें कवर करके दिखाया। तो अगर अच्छा लगा हो और महादेव के भक्त हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट कौन सी जगह पे मिलूँगी उसके लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। राधे राधे, हर हर महादेव। हम जाओ व्लॉग बाद। अभी जस्ट मैं ब्लॉग एंड करके गई थी, मैंने अपना नाइट रूटीन भी कर लिया, ये सब लगा लिया है मैंने, और नाइट ड्रेस भी मैंने पहन लिया। और मेरा भाई चेतन अब पहुंचा है, ऐसा कोई सरप्राइज देता है? मतलब इंसान सो रहा हो नींदों में से उठा देना, ये कैसा कोई सरप्राइज करता है क्या किसी को? फॉरम ने वीडियो निकाला है, आप देखना। आज वेल हुआ चाहिए। देखो शर्म आ रही है आपको, ऐसा कोई सरप्राइज देता है? ये सरप्राइज है, बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब हम राखी बांधेंगे नाइट सूट में, ट्रेंडी। अंधेरी थी, बोरी लिया भी चले, हम लोग आज सब थक चुके हैं। ट्रेन थी, ट्रेन थी, सारा मूड खराब कर दिया। ये बड़े लोग को इतना ज्यादा दिमाग होता है क्यों? इनसे इन्होंने गाड़ी देखी। अभी 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 वहां में से ए डन नहीं गया, ये वाली गाल चवा दे, खींच नहीं ना था वो, नहीं नहीं ना था, खींच के नहीं कौन बाहर लग रही है, काय में चूता भी यार। तुम्हारी नया जो गीत गाई है ना, आइए पधारिए मेरे भैया जी। ओ डन नहीं रही, डन नहीं रहे बॉय, बदला
ऐसा थोड़ी होता है। और नो तो डोखना डोख लागे एड़ो के छे। हां एड़ो के छे। हां एड़ो के छे। हां मम्मी के पूछो गेरो मैडम मैं गेरो जल्दी में डोखत कर के बैठी हूं। इनो पकड़ने मेरी लगती थी पत्रा चोखा माथे देखो बेजी बेजा सुजल के तो आको बाबा डोडो करे तो सुजल तो चोखा चोखा है जी बेजा एकड़ा बिछा आज इसके मेट्रो ना करे मेरी बाहर सनी पौंदा एकांत सच्चे सच्चे ने खाए नहीं काजू काजू कतरी मस्त है फेवरेट ना ही है ना ही वो जाड़ो है काजू कतरी के खाते में खबर है तेरी दिवाली में आया खबर है डब्बू खानी बेगोज फेरे तो मुके मुके कितनी बड़ा खा रहा है तेरे को बेटा आया वाला दिवाली में आया खबर एंड खानी ने अरे अरे दीर ने मेरे आया वा अरे हां हां अलग तो लोग भी आ घना रे बड़ो मौका नहीं ये ओ धर्म शो दे यार घंटे में moments later chalo bye bye guys hey guys Amma. guys is hey, guys are bhaiyo guys is not ah bhai hey bhai are bhaiya na na chalo mere bhai bhi ja rahe hain 12:30 baje manna roz na aane tu wapi wani room mein mandi wani nahi pata aapki building mein washroom hai kya baat kya bola tune वरी मार जाता इनो ये तो चला लेकिन अब ये जब मैं चित नहीं मेरे का देख बीप बीप डाल दूंगी पहले मोड़ बचाना ऐसे ऐसे ये मेरे भाई थोड़ा अतरंगी ऐसे ही सरप्राइज ये तो पहले मोड़ बदनाम करे नाइट सूट में सोचो क्या क्या होता है गाड़ी लेके आए ऊपर से मुंबई के रास्ते इतने बेकार है लेकिन इन लोग में डेयरिंग देख रहे हो आप 3 बजे पहुंच जाएंगे घर पे शेर है शेर एक और एक ही तो मुंबई बाय चलो एंड एंड कर कर ओके चेतन चलो गाइस कट इधर देखो यस अभी छोड़ने चले फिर आ जाएंगे फिर हमको नहीं छोड़ने चले रवाना कर दे तू समझा सही पकड़े अरे हाँ भाई मेरे को दरवाजा बंद करना पड़ेगा मैं बार बार कट कर रही हूँ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर ए, मुझे ने मैसेज करी है जज दबाई